ईश्वर सिंह ने किया जलाशयों का लोकार्पण, शहीदों के नाम पर किया जलाशयों का लोकार्पण। धूमधाम से मनाई गई गांधी जयंती, जिले भर में हुए विभिन्न कार्यक्रम, बच्चों को किया गया प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित। बिजली पावर हाउस का होगा शिलान्यास, जनपदवासियों को मिलेगी बिजली की समस्या से निजात। नुक्कड़ नाटक का किया गया आयोजन, नशा मुक्ति की दिलाई गई शपथ। पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में चली गोली, गोली लगने से 6 लोगों की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर, आपके साथ मैं हूं आफीफा मलिक। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों से। बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस को मिली सफलता, पुलिस ने अलग अलग मामलों में 4 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। एसपी के आदेश पर अपराधियों पर की गई कार्रवाई, पुलिस ने 4 अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष किया पेश। जनपद बिजनौर के थाना नूरपुर इलाके का बताया जा रहा है पूरा मामला। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अलग अलग मामलों में 4 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। एसपी के आदेश पर अपराधियों पर की गई कार्रवाई, पुलिस ने 4 अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष किया पेश। बिजनौर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जनपद बिजनौर के थाना नूरपुर इलाके का बताया जा रहा है पूरा मामला। फिरोजाबाद से बड़ी खबर, 5 साल की मासूम को दी गई तालिबानी सजा, चोरी करने के आरोप में की गई बच्चे की पिटाई। निर्वस्त्र कर बिजली के पोल से बांध कर दी गई सजा, तालिबानी सजा का वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर शुरू की पूछताछ। फिरोजाबाद से बड़ी खबर, 5 साल के मासूम को दी गई तालिबानी सजा, चोरी करने के आरोप में की गई बच्चे की पिटाई, निर्वस्त्र कर बिजली के पोल से बांध कर दी गई सजा, तालिबानी सजा का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। इस पूरे मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। अब खबरें विस्तार से। देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर को विशेष तौर पर स्वच्छता अभियान दिवस के तौर पर घोषित कर दिया है। इसी कड़ी में बांदा में जनपद के तमाम विद्यालय और कार्यालय में 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष में गश्तियां और स्वच्छता अभियान के लिए श्रमदान किया गया, जिसमें जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने शामिल होकर श्रमदान किया और साथ ही भारत को स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया। आज कलेक्ट्रेट सभागार में महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म जयंती समारोह का कार्यक्रम किया गया। ये कार्यक्रम पूरे जनपद में मनाया जा रहा है। विभिन्न लोग शिरकत दे रहे हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारजन हैं उनको भी यहाँ बुला करके सम्मानित किया जा रहा है माननीय राज्य जल शक्ति मंत्री जी द्वारा। और मेरी सबसे यही गुजारिश है कि जैसा आप देख रहे हैं पूरे देश में स्वच्छता के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी ने और उत्तर प्रदेश में देश के संत महात्मा गांधी जी की पुण्य जन्मोत्सव है और देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिवस है। इस अवसर पर जो अपने महात्मा गांधी जी ने देश को एक सत्य अहिंसा परोपकार के साथ में देश को आज़ादी दिलाई। और खबर जनपद देवरिया से है, जहां पुरानी रंजिश के चलते 6 लोगों की हत्या कर दी गई। मामले की सूचना पाते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। इस घटना को लेकर इलाके में हड़कंप मच गया है। मोबाइल में नीचे कीजिए, 5 लोगों के और दूसरी तरफ से 1 व्यक्ति की हत्या हुई है। इसका कारण भी बताया कि जो सत्य प्रकाश दुबे हैं, इनके भाई
ज्ञान प्रकाश दुबे के हिस्से की जमीन जो उन्होंने दूसरे पक्ष को लिख दी थी उसको लेकर विवाद था। इसमें अभी तक 14 लोग हिरासत में हैं। सरोजनी नगर विधायक ने गांधी जयंती के अवसर पर शहीदों के नाम पर 3 जलाशय का उद्घाटन किया। इस दौरान विधायक राजेश्वर सिंह ने बात करते हुए कहा कि इन वीर शहीदों की वजह से ही आज हम आजादी की सांस ले रहे हैं। हमें गर्व हो रहा है कि इन शहीदों के नाम पर जलाशय का उद्घाटन हो रहा है। वो उनके परिजनों को सम्मानित करके गर्व हो रहा है। भविष्य में इन शहीदों के परिवार वालों को किसी भी प्रकार की मदद की आवश्यकता होगी तो हर तरफ से सहयोग किया जाएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर महोबा जिला मुख्यालय स्थित पुलिस लाइन में रक्तदान और निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण का शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पुलिस के आला अधिकारी सहित दर्जनों रक्तदाता पुलिस कर्मी मौजूद रहे। निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण में दर्जनों पुलिस कर्मियों ने अपना हेल्थ चेकअप भी कराया। ये आयुष्मान भाव शासन की जो योजना चल रही है उसी के अंतर्गत हमारे यहाँ पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा ये बामा सारथी के उसमें वेलफेयर पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में एक मुफ्त रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे सभी कर्मचारी और फैमिली लाइन के लोग आ करके अपना लगातार रजिस्ट्रेशन करा करके रक्तदान कर रहे हैं। हमारे जिला चिकित्सालय से डॉक्टर साहब आए हुए हैं और यहाँ पर हमारा चिकित्सा का वो जांच भी हो रही है, जांचों उपरांत जो है। मथुरा में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर सुबह 7:30 बजे से जनपद न्यायालय मथुरा में एक प्रभात फेरी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जनपद न्यायाधीश आशीष गर्ग द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। इस अवसर पर समस्त न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण, बेसिक शिक्षा अधिकारी सहित अनेक विद्यालय के छात्र छात्राएं, बच्चे, अध्यापक अध्यापिकाएं आदि उपस्थित रहे और प्रभात फेरी में छात्र और छात्राओं और बच्चों द्वारा वंदे मातरम, जय हिंद, स्वच्छता अभियान के नारे लगाते हुए बैंड बाजों के साथ आम जनमानस के मध्य स्वच्छता प्रति जागरूक किया गया। पीलीभीत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती के उपलक्ष्य में जिले भर में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर डीएम प्रवीण कुमार ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ध्वजारोहण किया और महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही विद्यालयों से आए बच्चों को उपहार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। देखिए, आज जो है राष्ट्र अपने 2 महापुरुषों, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी तथा हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, दोनों के ही जन्म दिवस को मनाते हैं हम लोग। जिला अस्पताल में भी अभी हमारे जो एक्टिंग CMS हैं उन्होंने ध्वजारोहण किया है, फिर पुष्पांजलि अर्पण हुआ है। अब जो है माननीय जिलाधिकारी महोदय के साथ महाराजगंज स्वतंत्र प्रभार उद्यान दिनेश प्रताप सिंह ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। जनपद वासियों को खुशखबरी देते हुए बताया गया कि 4 तारीख को महाराजगंज तहसील के 52 बुजुर्ग बल्ला नेवाजगंज में एक बिजली पावर हाउस का शिलान्यास रखा गया है, जिसका शिलान्यास ऊर्जा मंत्री AK शर्मा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही इस मौके पर राज्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे। महाराजगंज तहसील के गाँव नेवाजगंज मजरे 52 बुजुर्ग बल्ला में 132/33 KVA का पावर हाउस की स्थापना की आधारशिला रखने के लिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी ऊर्जा नगर विकास मंत्री श्री AK शर्मा जी, उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री सोमेन तोमर जी दिनांक 4 तारीख को रखेंगे। इस पावर हाउस की स्थापना से रायबरेली जनपद में विद्युत समस्या का लगभग निराकरण हो जाएगा। शाहजहांपुर में DM ने गांधी जयंती के अवसर पर कलेक्ट्रेट में नुक्कड़ नाटक के साथ नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। गांधी जी के विचारधाराओं पर चलने को प्रेरित किया गया इस दौरान। वहीं जिलाधिकारी ने सरकारी सेवाओं में कार्यरत सभी कर्मचारियों को गांधी जी और पंडित लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से प्रेरणा लेते हुए उनके विचारों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प दिलवाया।
सीतापुर के हरगांव थाना क्षेत्र के पास बनी चौकी ककराही आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। थाने से लगभग 25 किलोमीटर दूरी पर बनी हरगांव थाने से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर बनी चौकी आज भी शारदा सहायक नहर की जगह पर बनी हुई है। अगर देखा जाए तो चौकी ककराही से जिला मुख्यालय सीतापुर की दूरी लगभग 55 किलोमीटर है। हरगांव से ककराही जाने के लिए लगभग एक घंटे का समय लग जाता है। वहीं रास्ता खराब होने के कारण क्षेत्रीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि ये चौकी लगभग 60 सालों से यहीं पर बनी हुई है। अगर इस पर जिला प्रशासन ध्यान दे तो हजारों लोगों की आबादी वाले क्षेत्र में ये चौकी मूलभूत सुविधाएं मिल सकती हैं। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।